आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमने 10 तारीख को कुरुक्षेत्र के थीम पार्क के अंदर एक बड़ी रैली का रखा है, लोकसभा क्षेत्र की सारी की रैली रखी है। आप कैथल के पत्रकार साथियों को भी इनवाइट करता हूँ, आप भी उसमें जरूर आए, आकर के देखें। 10 तारीख को जब आप आओगे तो आप सभी में ये बात कहोगे कि कुरुक्षेत्र से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी जो है वो भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करके लोकसभा पहुँचेगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में वर्कर्स की पार्टी रही है, हमने कभी किसी बड़े चेहरे को ला करके किसी बाहरी आदमी को बुला करके कभी भी लोगों में इस तरह की भ्रांतियां पैदा नहीं करने की कोशिश करी। आप जैसे लोग ही कल ये लिख देंगे कि रैली की भीड़ तो उस आदमी की वजह से जुड़ी थी, ये हमारी अपनी रैली है और उस रैली में हमारे ही पार्टी के नेता संबोधित थे। भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्र की बात करती है कि राष्ट्र को खतरा है, मोदी राष्ट्र को बचा सकता है। इस राष्ट्र को अपने 72 साल हो गए, अब तक अनेक प्रधानमंत्री बने, अनेक आए रुके, मोदी भी अब जाने वाले हैं। 23 तारीख के बाद रिजल्ट आएंगे तो मोदी साहब को इस पद को छोड़ना पड़ेगा, उनकी जगह पर नया चेहरा आ जाएगा। राष्ट्र को खतरा कह करके राष्ट्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। खतरा राष्ट्र को नहीं, खतरा मोदी की भाजपा की सरकार को है। समय पे दीजिए, क्या कह रहे हैं चुनाव का समय तो बचा ही नहीं, आज 8 तारीख होगी, परसों प्रचार बंद हो जाना है, तो परसों से पहले पहले हमने तो पूरे हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के एक एक मतदाता तक हमारा कार्यकर्ता पहुंच गया। अगले 2 दिन में फिर हमने जिम्मेवारियां लगाई है कार्यकर्ता साथियों की कि वो एक बार क्षेत्र अपने अपने गांव में कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके और सबसे जाकर के एक बार वोट मिले, और बूथ तक की भी हमने अपनी ड्यूटियां लगा दी। बूथ पे किस आदमी की क्या जिम्मेवारी होगी हम उससे पहले दे चुके हैं। रही बात चुनाव में प्रचार की, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता अपने सारे जरूरी काम छोड़ करके और अपने पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए दिन रात एक करके काम करता है। कि हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को गलत आंक नहीं, कम आंकना हमारी बड़ी गलती है। इनेलो और बीजेपी कहीं नहीं है, बीजेपी सिद्धू से ये तो पूछ लो, तो जब कभी भी नया चुनाव होता है नई जगह खड़ा नजर आता है, पहले सथाई भो करके बात करे तो अच्छा लगे। कभी नरेंद्र मोदी की बड़ाई करता है, कभी बुराई करता है, कभी पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की प्रशंसा करता है, यहाँ आकर के फिर माफिया मांगता है। उसको कहो कि अपनी भाषा को ठीक करें। थैंक यू, ठीक है।